अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड खुश आमदीद आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। और आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से जुदा हुआ था। एक्चुअल में मैं जब पिकनिक पे गया था तो मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से मैं इतना ब्लॉगिंग कर पाया था। मैं बेड रेस्ट पे था, टोटल 3 से 4 दिन मैं बेड रेस्ट पे रहा हूँ। तो आज मैं ज़रा फ्री हुआ हूँ। आज हमारा प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं आज प्रैंक करने के लिए मामा के ऊपर, बट वो प्रैंक कुछ ऐसा है कि ख़तरनाक तरीके का। आपने यार थंबनेल से तो पहचान ही लिया होगा क्या प्रैंक है, बट फिर भी मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, पहले हम करते हैं तैयारी इसकी। ये हमने वाइट कमीज सलवार निकाल ली है इस्त्री करने के लिए। मामा को कोई आइडिया नहीं है। एक बच्चा ये बैठा हुआ, एक बच्चा वो बैठा हुआ, बट मामा अपने कपड़ों में लगी हैं। हम चलते हैं, सबसे पहले शावर लेते हैं। शावर लेके सारी चीज़ें न्यू पहननी है, हमें वॉच भी न्यू पहननी है और हमें शूज़ भी न्यू पहनने हैं ताकि अपनों के साथ मैचिंग करें, और जाके हमें हार भी लेके आना है। और उसके साथ साथ हमें किसी को तैयार भी करना है इस प्रैंक के लिए, जो हमारा को पार्टनर होगा उससे हम प्रॉपर वे में तैयार करेंगे। पहले गाइस तो भाई हो चुका है रेडी, देख सकते हैं। अभी करने में मोहम्मद अवान थी, उसको रेडी करना है। उसके बाद हम निकलेंगे मोहम्मद अवान को लेके, यानी हमारी वाइफ को लेके, जिसके साथ हमारा निकल हुआ है। जाएंगे हम हार लेने के लिए ताकि हम हार भी पहन जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैंक वीडियो बहुत 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 पसंद आएगी। तो जल्दी से जाएँ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसको यहाँ पे ही रख देते हैं ताकि अभी बाजी जाएंगी, बाजी रेडी करेंगे। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड, आई एम गोइंग टू बी मैरिड टुडे। आज आपके भाई की होने वाली है शादी। नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता। तो अभी चलते हैं सीधा, हम जाते हैं हार लेते हैं और कुछ खाने का सामान है वो भी लेके आना है। तो बिना किसी देरी के हम पहले सामान लेके आते हैं, फिर आने के साथ आपको यही मिलता है। जब तक हमारी दुल्हन भी, ओह माय गॉड, रेडी हो जाएगी हमारी दुल्हन, कितनी प्यारी लगेगी सोचो मेरी दुल्हन यार। हाय 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 आए हाय 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 वाह भाई, मेरी दुल्हन कितनी प्यारी लगेगी आपको पता है, यू नो कितनी प्यारी लगेगी बाद में पता चलेगा। अच्छा चलो यार, हम चलते हैं बिना किसी देरी के, फिर आके आपको थोड़ी सी देर में मिलते हैं। गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने हार ले लिए हैं, ये रखे हुए हार। अभी चलते हैं मम्मा के लिए जरा सा सैंडविच हमें लेना है, तो हम सैंडविच लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा चल के हम प्लेन की तैयारी करेंगे। हो सकता है जब तक मैं पहुँचूँ तो जो मेरी हीरोइन है, जो मेरी वाइफ है, वो रेडी हो चुकी हो पूरी। तो चलते हैं सीधा प्रैंक की तरफ, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है और अब हमें लेने हैं इतने अच्छे अच्छे रिएक्शन वाले। मम्मा जानी आई लव यू यार, आई एम रियली सॉरी मम्मा जानी, आप मुझे पता ही है बाद में देखिए बहुत हंसोगी, बट आई लव यू सो मच मम्मा जान। मैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई के ब्लॉग्स को, भाई के प्रैंक वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, कि आपको पता है कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने में, आपको पता है कितना खर्चा भी होता है यार। थोड़ा सा प्रमोट कर दो अपने भाई को ताकि आगे जाके और मज़ेदार अमेजिंग अमेजिंग के आपको प्रैंक्स वीडियोस मिल सके और वीडियोस ब्लॉग वाली मिल सके। तो यार प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कॉमेंट करो यार कि मैं आगे कौन सा प्रैंक करूँ, जल्दी से बता दो सब। मुझे जो मेरी हीरोइन थी तो कोई लड़की मिल नहीं रही थी, दोस्त इसके चेहरा मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, तो मैं आपको इसको तैयार करके आराम से फ्रेशम होके मैं आपको मिलता हूँ। थोड़ा सा वक्त में जरा विग वगैरह सेट कर लूँ। क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए, जल्दी से जाओ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। बेबी आप आए, आपके सब बालों को हम सेट करेंगे ना, आप परेशान क्यों होती हैं बेबी, आप हमारी बेगम जो बनने वाली हैं। तो बता उठा दे ले आएगा। चलो बहन अभी सीन तो होगा मम्मी के साथ। गाइस 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 हमारी हीरोइन हो चुकी है तैयार। अभी चलते हैं सीधा मम्मा के सामने। ओहो वन चीज, एक चीज मिसिंग है तो मैं जरा वो चीज पहन लूं, फिर उसके बाद चलते हैं मम्मा के पास। I
आपने इतना टाइम हो गया मेरे बारे में नहीं सोचा, ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपने बारे में सोच लूं और मैं शादी करके आ चुका हूं। और ये तुम बहू भी लेकर आ गए, मैंने तुम्हें मना किया था ना लड़की, मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी। ये माशाल्लाह मामा जानी आपकी बहू है, ये इतने टाइम से मैं आपको भी समझा था, इस भाइयों को भी बोला था कि मेरी शादी कर दो, आप लोग नहीं लगे हुए थे मेरे पीछे, तो मैं अब ले आया हूँ आपकी बहू। सही है, ये आपकी बहू है, ठीक है, अब आपने जैसा स्वीकार करना है इसको, जैसे आपने एक्सेप्ट करना है आप करो, नहीं करना नहीं करो। तो बेटा आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको मना किया था मैं अपनी पसंद की लड़की लेकर आऊंगी शादी करके, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, गलत बात है ना। तो कितना इंतजार करूं मैं, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, खानदान वाले सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, जिसको बोलना दो भाई, को क्या जवाब दूंगी मैं, भाई वो भी जवाब दे देंगे, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं करते ना, बुरी बात है ना। अच्छा पानी पिलाओ आप थोड़ा सा, प्यास लग रही है यार बहुत। हर किसी की लड़की को तुम शादी करके ले आए, कहाँ से लेके आए, कौन है ये मेरी वाइफ है मम्मा जानी, ये अब से यहाँ पे रहेगी हमारे साथ, और ये जो कमरा खाली है कि इस कमरे में ही रहेगी। बेगम आओ तुम्हें, ये कौन है, किसको ले, ये वाइफ है मेरी, दिखाओ। अब आप चाहे कुछ भी करो, ये आपकी बहू है, आपके साथ रहेगी, ठीक है। और शमाबाजी आप भी सुन लें ये बात, समझ आई, अगर आपको कोई तकलीफ है कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे नहीं रुकने आना, आप अपने घर जा सकती हैं, ठीक है। ये यहीं पे ही रहेगी और यहीं पे ही हमारे साथ ये काम करवाएगी सारा। ये यहाँ नहीं रहेगी, ये यहीं रहेगी, ये भाई को हाथ जाए, जिसको जो करना है करो, जाओ जाओ फोन मिलाओ, जाके रखा भाई क्या बात होगा। आप चाहे भाई को कॉल करो, किसी के चाचा को भी कॉल कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये यहीं रहेगी और ये आपकी बहू है, इसको आपने स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, समझ आ रही है। शर्म नहीं आती है, तुमने ये क्या काम किया मेरे बगैर पूछे है, तुम्हें मैंने इतना मना किया था कि मैं अपनी पसंद की लड़की लेकर आऊंगी है, फिर तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि तुम अपनी माँ के खिलाफ रहते ऐसे काम करो तुम। मम्मा कितना इंतजार करूं मैं, कितना शादी का इंतजार करूं मैं अपने, तो तुम क्या बूढ़े हो गए हो क्या, तो मम्मा सफेद बाल हो रहा है यार, लोग बोल रहे हैं कि तुम शादी कब करेगा, सब सब दोस्तों की शादी हो गई है मेरे, अब मैं करके ले आया तो करके ले आया, लोगों को भाड़ में डालो, मैं अपनी पसंद की लड़की लाना चाह रही थी और तुम अपनी पसंद की लड़की लेकर आ गए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इसको। ये मेरी पसंद है, हमने शादी की है और किसी का बाप भी हमें एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, हम शादी को नहीं मानते हैं। क्षमा क्षमा दे, मैं भी फोन करती हूं, जाके फोन लगा दो, जाके फोन लगा दो, मैं भी यहीं पे जाके फोन लगा दो, नहीं मैं भी शादी को देखता हूं, मैं कैसे नहीं मानते, अभी क्या मेरा फोन लगा, जिसको फोन लगाना लगा दो जाके, मेरी शादी है, ये मेरी वाइफ है, वाइफ है, खत्म हो गई बात मेरी, फोन रख लिया, चलो खड़े यहां से निकलो, उठो, कश्मीर की गंदा से दूर है, निकलो यहां से, खड़े हो, पता नहीं किस लड़की को उठा के ले आए हाथ से हमारे ऊपर, निकालो बात, तुम परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, खड़े हो, कोई रोना वाले यार क्यों नहीं चलेगा, कोई रोना वाले नहीं चलेगा, कितना मना करते तुम ऐसा काम नहीं करो। मम्मा जानी मैंने जो करना था अब कर लिया, अब हमारा निकाह हो चुका है, 3 बार कबूल है, बोल भी चुका हूँ मैं, पता नहीं हमारे साथ निभा कर सकेगी नहीं कर सकेगी। सर में दर्द हो गया है, मेरे सर में दर्द हो गया है, मेरे को इतना परेशान कर दिया तुम लोगों ने। आपको किसने बोला था कि आप अभी शादी करो, अभी आपकी उम्र नहीं है, आप कमाने खाने से लग जाओ। अरे तो कब होगी उम्र, कब कब कमाने खाने लग जाओ, क्या कमाने खाने लग जाओ, उसको ला के हमारे सर पे बांध दिया, अब उनको कैसे संभाले, पता नहीं निभा कर सके कि नहीं कर सके, हमें क्या पता कौन है, कर सकती है निभा वो, सब कर सकती है ये, पता नहीं कहाँ से लेके आए, उठा कर के आए, क्या नहीं है, सब हो सकता है, सब कुछ कर सकती है ये, समझ आई ना। आप पानी पिलाओ जाके मुझे, मेरा दिमाग मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है वैसे ही। जमा इधर है, जमा देख भाई ने क्या किया, इधर आके देख, जरा देख, इधर आके देख, आई जरा देख क्या किया इसने, तो वैसे ही मेरे अंदर इतनी टेंशन भरी पड़ी है दिमाग के अंदर मेरी, तुमको और मजीद टेंशन दे दो, कर ली शादी तो क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी बात है, शादी करना बड़ी पड़ी है, ये दो पैसे का हार पहनने से शादी हो जाती है, कोई शादी नहीं, निकाह करके लाऊं मैं, निकाह करके लाऊं मैं कौन से गवाह, मैंने वो गवाह था, मेरे दोस्त है गवाह में, कोई गवाह हम इसको शादी को नहीं मानते ना, इस गवाह को मानते हैं, मेरे दोस्त गवाह में थे यार, थैंक यू, मेरी की शादी नहीं मानते है, दोस्त गवाह में थे, दोस्त तो खराब क्या करते हैं, सारी गलत गलत काम करवाते हैं सारे।
जहाँ से इसको लेके आए इसको वहीं छोड़ कर आना। ये यहीं रहेगी, मेरे साथ रहेगी ये। तो किसी ने कबूल नहीं किया तो मैं क्या करूं? नहीं, सबने कबूल किया, मैंने कबूल कर लिया ना, तो किसी के कबूल करने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कर लिया ना कबूल। तुम्हें किसने बोला था कि तुम ऐसे ऐसे काम करो, उल्टे उल्टे काम करो, घर में आकर घर का माहौल खराब करो। अब लेके जा उसको कमरे के अंदर बिठा। आओ इधर आओ, मैंने आपको कमरे में बिठा ले जाएगा। कहीं नहीं जाएगी ये, मैं तुझे बता रहा हूँ। बैठो आप यार, आप यहाँ पे बैठो और मैं भी देखता हूँ आपको कौन निकालता है इस घर से। आप कौन होते हो? हैं? आप कौन होते हो? चुपचाप बैठना ना, बीच में नहीं आना, बता रहा हूँ मैं। हाँ देखो बेटा, मैं समझा रहा हूँ तुमको, तुमने क्या किया, तुम मुझे बीमार करना चाहते हो। हाँ मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम इसको कहाँ से उठा कर ले आए हो? गलत बात है ना, अब सब अफरा तफरी पड़ जाएगी घर के अंदर, नाराजगियाँ पैदा हो जाएगी। मम्मा जिससे सबकी शादी हो गई, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी नहीं हुई, मुझे नहीं पता, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। लेकिन आप ना गलत गलत काम क्यों कर रहे हो बताओ? मुझे भाई को कॉल करनी पड़ेगी, भाई को फोन करके पूछना पड़ेगा ये सब क्या कर रहा है। आप इसको देखो तो सही, सब क्या कर रहा है। नहीं रो, नहीं रो, नहीं रो। कोई नाटक चल रहा है, फिर भाई का फोन आ गया। हाँ बात करो, मेरी भी बात करो भाई से, बात करो, मैं भी तो देखूं जरा। हाँ हेलो फैजल, हेलो बेटा, ये देन ने क्या गलत काम कर दिया? कहाँ से लड़की उठा कर ले आया शादी करके? कोई गवाह भी थे या नहीं थे? कह रहा मेरे दोस्त गवाह थे। सब गवाह बन चुके हैं, सब गवाह बन चुके हैं भाई, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कैसे मैं कबूल करूँ? आप इजाजत दो तो मैं इसको रखूँ, नहीं तो नहीं रखूँ, बोलो क्या करना है? क्या मतलब मैं इसको रखूँ? क्यों दिखा रहा हूँ बाहर? नहीं निकलेगी ये, यही रहेगी ये। ये निकलेगी घर से भाई, हमारा घर है। बोलो क्या बोल रहे हैं आप? इजाजत देते हो या मैं दोनों को निकाल दूँ घर से? मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, इस घर में मेरा पूरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा दो और मुझे निकालो, समझ आई? आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? आप बोलो क्या बोल रहे हो आप? इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या क्या बोल रहा है, बताओ। बोलो क्या फैसला करूं मैं? क्या फैसला करूं, रखूं या नहीं रखूं? उनके फैसले करने से क्या होगा? नहीं वो मतलब बीवी मेरी है, ये फैसला उनके करने से क्या होगा? भाई है ना बड़े बाप की जगह, तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है। क्यों इतना टाइम से धोखा मत रहा? आपको समझ 28 साल का हो चुका, 28 साल का, 28 साल के हो गए हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो गए, 7 साल की शादी हो गई है अभी तक, तो मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है। कोई नहीं हुई है, सबकी शादियां होती है ऐसे आराम से। तो रख लूँ या नहीं रखूँ? नहीं अभी नहीं रखना है, भेज दो दोनों को। ये नहीं रहेगी, 4 दिन बाहर नहीं जाकर ठिकाने आ जाएगी, 4 दिन से भी बाहर नहीं पता चल जाएगा। चलो उठ ही लड़की, उठ और जैसे निकल बाहर, लड़की खड़ी हो, चलो उठो ऐसे निकलो भाई, उठो, छोड़ दो इसको, उठो ऐसे, छोड़ दो, उठो निकलो यहाँ से भाई, हर दिन की शादियाँ होती है, छोड़ दो इसको, नहीं चलो, खड़ी हो, नहीं चलो, जाओ, नहीं चलो, कहीं नहीं जाएगी है, कहीं नहीं जाएगी है, नहीं चलो उसको, सब जाएगी, अम्मी भाई से बोले निकाले भाई, हमारा घर है ये, आपका घर है, आप अपने घर जाए, दिस इज माय होम, ओके इट्स नॉट योर होम, ये मेरा मेका है, मेका हो चाहे किसी का ससुराल हो, मुझे नहीं पता ये इसका घर है, ये निकालो भाई इसको, पता नहीं किसको उठा के ले आया, पता नहीं कहाँ से, ना खानदान का पता, ना कुछ पता, उठा के ले आया, मुझे सब पता है, समझ आई? किसी को कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, ये देखो ना, खानदान का पता, ना कुछ पता, भी पता नहीं किसको उठा के लेकर आ गया है घर में, बस ठीक है, चलो भाई उठो, अम्मी बोल रहा घर से बाहर, भाई क्या, क्यों क्या मजाक करा के रखा हुआ है क्या? हाँ ये मजाक है, कोई मजाक करा के रखा हुआ इधर है? चलो किसी की शादी हो गई, कुछ हो गया तो तुम लोग मजाक करा के रखा हुआ है कि बाहर निकाल देंगे? जल्दी घर से बाहर, जल्दी जल्दी घर से बाहर, आओ बेगम, हम कमरे में चलेंगे, छोड़ो इनको, ये सारे ऐसे ही हैं, एक्सेप्ट करें नहीं करें, हम जा रहे हैं। अरे शिकल तो दिखाओ कि लायक इस खैरियत की मुली को है। वक्त आ चुका है कि हम पोल खोल दे, वो मेरी एक्टर, ये मेरी बहन एक्टर, ये मेरी बीवी, मम्मा को दिखाते हैं कि क्या सेटअप डाला हुआ था। आ जाओ, मोबाइल नीचे रखते हो ताकि मम्मा को पता ना चले।
ये यहीं रहेगी, समझ आई? ये मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपने कोई प्रॉब्लम है तो आप इस घर से जा सकती हो, समझ आई? मुझे पता है, हमारे साथ अंजाम यही होगा भाई। हाँ, कैसी कैसे कहानियां कर रहे हो तो क्या कर सकता हूँ। ये देख लो चेहरा, देख लो इसका। देख लिया, देख लिया, देख लिया दोस्त। यार उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग, ये प्रैंक वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कौन सी वीडियो होनी चाहिए नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हां भाई, लव यू बोल दो, लव यू।